ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज 16 अप्रैल 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:46 हो रहे हैं। आज थर्सडे यानी वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो काफी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। एक्सपायरी के दिन काफी ज्यादा देखने को मिलता है अप एंड डाउन्स, तो बी केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग। कोरोना वायरस का अगर अपडेट देखे तो दुनिया भर में जो डेथ का आंकड़ा है वो 1 लाख के पार हो चुका है और 1,34,000 तक पहुंच चुका है। यूएस के हर एक स्टेट में कल इमरजेंसी लागू हो गई है, और इंडिया का भी अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता रहेगा कि जो फिगर का स्पीड है वो भी थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा हुआ है। हालांकि लॉकडाउन करने से जो स्प्रेड होना चाहिए तेजी से वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो स्पीड है डेथ का और फिर पेशेंट मिलने का, पॉजिटिव पेशेंट मिलने का, वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय हो सकता है। कल जैसे कि लॉकडाउन बढ़ने के बाद हमने मार्केट में देखा, जो मोमेंटम आया था गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ टूवर्ड साउथ की तरफ आ गया। ये जो डिसीजन था 21 डेज का लॉकडाउन एक्सटेंड करने का, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट भी प्रेशर में यहाँ से आता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि ये अगर देखा जाए तो डिसीजन सही है। एक बात तय है कि जो भी अभी बिजनेसेस बंद है, शॉप्स बंद है, वो ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली बंद हो जाएंगे हमेशा के लिए, जिंदगी यहाँ से चलेगी नहीं। जब तक ये कोरोना वायरस का प्रेशर यहाँ पर देखा जाएगा, तब तक ये बंद ही रहेगा, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा तो ये फिर से शुरू होंगे और उतनी तेजी से शुरू होंगे जो पहले यहाँ पर ये काम कर रहे थे उससे कई गुना ज्यादा तेजी से शुरू होंगे, क्योंकि उनको एक बैकलॉग, एक ये 1 महीने का 1.5 महीने का बैकलॉग भर के निकालना है, तो ये भी ध्यान में रखिए। तो चलते हैं, सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 15 अप्रैल आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9129। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ये आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे मार्केट ओपन हुआ था तो शुरू में तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बना, क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट टारगेट था इसके ऊपर ओपन हुआ था निफ्टी इंडेक्स, लेकिन ये फिर यहाँ से जब साउथ की तरफ मूव कर रहा था तो ब्रेकआउट लेवल के पास एग्जैक्ट इसने सपोर्ट टेस्ट किया और ये बाउंस बैक दिखाया। ऊपर ओपन होने के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है। ऊपर जब ओपन होता है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से कंटिन्यू ये अपसाइड रैली कंटिन्यू रखे। ऊपर जब ओपन होता है जो लास्ट आर जो ट्रेडिंग के बचे है, तभी जिसने पोजीशन लिया हुआ होता है वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करता है। इसके लिए ये नीचे आता है और जब हमारा ब्रेकआउट लेवल इसने एज ए सपोर्ट टेस्ट किया और जब फिर से बाउंस बैक हुआ, तो फर्स्ट टारगेट 9174 और सेकेंड टारगेट 9204 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो यहाँ पर कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 40 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 30,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट की हालत भी देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार में भी साफ तौर पर प्रेशर देखने को मिला, नासडैक करीब 122 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स में भी लाल निशान में कारोबार हुआ, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी 66 पॉइंट की गिरावट दिख रहा है। जापानीज इंडेक्स और चाइना मार्केट में भी थोड़ी सी कमजोरी इस समय दिखाई दे रही है। डाउ फ्यूचर देखे तो 193 पॉइंट की गिरावट दिख रहा है। हालांकि जैसे निफ्टी का चार्ट है जहाँ से ये रिकवरी आई थी, उसी तरह से डाउ में भी ये रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि ये क्या ट्रेंड में कन्वर्ट होगी या नहीं, ये टेक्निकल लेवल्स के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं। एक एक लेवल को इसे पार करना पड़ेगा। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करेंगे।
डेली चार्ट में अगर कल का एनालिस्ट जो हमारा था अगर देखे तो ये जो वेनेसडे लास्ट वेनेसडे का कैंडल था ये इसका हाई और इसका लो ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का काम कर सकता था। कल ये ओपन तो हुआ था इसके हाई के ऊपर लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और नीचे आके क्लोज हुआ है। अभी ये जो बियरिश कैंडलस्टिक बना है ये जो आप बियरिश कैंडलस्टिक देख रहे हैं इसने ये लास्ट दो कैंडल को कवर कर दिया है। यानी यहाँ पर ये जो मारामारी चल रही थी बुल्स और बियर्स के ऊपर इसमें इसने रिजल्ट दे दिया कि ये यहाँ से बियर्स ने ये कंपटीशन जो था ये जो मारामारी चल रही थी ये बियर्स ने जीत ली है। तो अगर ये कल का लो अगर ब्रेक करता है 8874 तो जहाँ पर इसने ये फिबोनाची रेट्रेसमेंट लेवल का ये जो लेवल है यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था कई बार ये देखिए यहाँ पर तो हो सकता है ये अभी सपोर्ट का काम करे। तो ये लेवल अभी काफी क्रुशियल बन जाता है 8672। अगर यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करता है अच्छे तरीके से तो ये यहाँ से फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये लेवल ब्रेक होता है तो और यहाँ से प्रेशर हमें टूवर्ड साउथ की तरफ निफ्टी इंडेक्स मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये डेली चार्ट का इस समय का सीनारियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में क्विकली इंट्राडे लेवल्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें आप ये जो निफ्टी इंडेक्स का ये जो आर्ली चार्ट है इसके नीचे कल का ये जो लो है इसके नीचे 100 ईएमए का ये ग्रे लाइन आ रहा है, उसके नीचे क्विकली ये 50 ईएमए का ब्लू लाइन आ रहा है, फिर इसके बाद पिवट पॉइंट का इस वन का लेवल आ रहा है। तो काफी सारे मल्टीपल सपोर्ट लेवल से कहाँ से ये बाउंस बैक हो सकता है ये कहा नहीं जा सकता। तो इन लेवल को क्लियरली ब्रेक होने दीजिए, इन लेवल्स को क्लियरली ब्रेक होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और ये अगर S1 का भी लेवल अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक स्विंग लो बना है 2 दिन पहले, ये देखिए यहाँ पर डबल बॉटम हुई फॉर्मेशन हुआ है। तो इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, इस लेवल को हो सकता है पेनेट्रेट करे 8744। इस लेवल के नीचे कम्प्लीटली ये अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय सेल पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8699। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 8633, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और ये अगर ऊपर की तरफ अगर ये मूव करता है तो ये जो 20 ईएमए है यानी ये तीनों मूविंग एवरेज और उसके बाद ये पिवट पॉइंट का ये लेवल 9016 20 इसको कर देते हैं ऑलमोस्ट 20 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है 9020 तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9080, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 9128, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।